तो शपथ ग्रहण को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं गुजरात, और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे हैं। विशाल, सभी बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है वहां पर? एक सवाल। बिल्कुल, देखिए चंदन, बीजेपी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं इस वक्त गांधीनगर पहुंच चुके हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, वो भी गांधीनगर में उनके प्रमुख पहुंच चुके हैं। महेंद्रनाथ पांडे हमारे साथ में, केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे जी, कितनी बड़ी तैयारी मानी जाए बीजेपी के लिए 2024 से पहले गुजरात में 156 सीटें बीजेपी जीत कर आई है। ये भारतीय राजनीति की सबसे शानदार विधानसभा चुनाव की जीत है और 2024 के लिए 2019 से भी बड़ा पॉजिटिव संदेश है। ये सेवा सुशासन अनवरत जारी रहे, जनता का यही जनादेश है। बीजेपी के तमाम जो घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनके नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो क्या संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर रही है? बीजेपी देश की जनता का अभिनंदन। गुजरात चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। जनता का अभिनंदन का संदेश दे रही है, सेवा का व्रत जारी रहेगा, यही संदेश। देखिए यहाँ पर लगातार, क्योंकि मैं सुबह से देख रहा हूँ, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण होने वाली है। लगभग 16 विधायक भूपेंद्र पटेल के साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस मेगा इवेंट के जरिए एक संदेश ये भी दे रही है कि उसके सहयोगी दल उसके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के तमाम राज्यों में जहां पर सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संगठन से जुड़े हुए तमाम बड़े नेता, संसदीय बोर्ड से जो सदस्य हैं, वो आज गांधीनगर में भूपेंद्र पटेल की शपथ में मौजूद रहेंगे। क्योंकि 156 सीटें जीतकर बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि। देखिए विजय रूपाणी, बिल्कुल विशाल, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के, आपके पास लौटेंगे। तो बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है और 2024 के लिए मोमेंटम हासिल करने की अब कोशिश है। कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि मोदी राज में प्रो इनकम्बेंसी नजर आती है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। राकेश त्रिपाठी हैं बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग ढांडा है आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, प्रदीप कौशल जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और निखिल एम है राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले प्रदीप कौशल जी, अगर बात की जाए इस जीत के जरिए, जो ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की है, 2024 का मोमेंटम हासिल करने की कोशिश करेगी? एक तो ये है कि अभी तक ये कीर्तिमान 7 बार चुनाव जीतने का वाम मोर्चा के पास पश्चिमी बंगाल में था, तो भाजपा ने उस कीर्तिमान को छू लिया है। और अभी जितने भी संकेत हैं उससे ये लगता है कि आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव 2024 में आने वाला है उसके अंदर यही लक्षित होगा जो परिणाम अब आया है जी। और बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि और राज्यों के लिए भी यह एक मॉडल के तरीके से काम करेगा, लोग प्रेरित होंगे कि इसी कीर्तिमान को छुआ ठीक जाए। है निखिल एम, क्या गुजरात का ये जो मॉडल है सियासी मॉडल और राज्यों में भी काम करेगा? बीजेपी की कोशिश तो यही होगी। बिल्कुल सही कहा, यही मॉडल एक नया एक्सपीरियंस, नया अनुभव करने जा रहे हैं। और मोदी जी जब भी नया प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये नया प्रयोग हर बार सफल होने की पूरी पूरी संभावनाओं के साथ, इतनी सोच विचार के बाद उन्होंने ये काम किया है कि आपके पास लौटेंगे। निखिल जी, स्मृति ईरानी क्या कह रही है अपने दर्शकों को सुना देते हैं। निखिल एम जी, अपनी बात आप पूरी करें। मैं ये कहना चाहता था कि जिस मॉडल को उन्होंने अपनाया है, जिस तरह से एक्सपीरियंस लोग और युवा चेहरों का संभवित जो समीकरण होने जा रहा है वो आदर्श मॉडल बन पाएगा और दूसरे राज्यों में भी यही जो उपक्रम है वो जारी रहेगा, ऐसा मेरा संपूर्णतः मानना है जी। राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी ने जो जीत हासिल की थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में ये जो प्रचंड जीत मिली है, निश्चित तौर पर लहर तो काफी अच्छी चली गुजरात में, लेकिन क्या यही मॉडल दूसरे राज्यों में आप लोग अपना पाएंगे? देखिए निश्चित तौर पर गुजरात की ये जीत कई सारे संदेश देती है। जिस तरह से विपक्षी दलों के तमाम प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी को 7वीं बार एक रिकॉर्ड, जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे कि वाम दलों का जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई ने किया है।
ये नरेंद्र मोदी जी के जो काम है, केंद्र सरकार के जो गुजरात सरकार की भूपेंद्र सरकार के जो काम है उस पर जनता ने मुहर लगाते हुए इस तरह का बहुमत दिया है कि ऐसा बहुमत न भूतो न भविष्यति गुजरात के इतिहास के लिए ऐसा न कभी पहले हुआ था ना। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक बहुमत मिला है। अनुराग ढांडा जी, आम आदमी पार्टी ने लड़ाई तो अच्छी लड़ी लेकिन बीजेपी के वोट प्रतिशत कम करने के बजाय आप लोगों ने विपक्ष के ही वोट काट दिए। अब तो आरोप कांग्रेस ये लगा रही है कि आप लोगों की वजह से बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। देखिए, मैं कांग्रेस के आरोप पे नहीं जाता क्योंकि उनके उसमें कोई तर्क नहीं है, कोई दम नहीं है उस आरोप में, क्योंकि वो 27 साल से हमने हाथ नहीं पकड़ रखा था उनका कि आप मत जाइए, बीजेपी को मत हराइए, गुजरात के अंदर उनसे मुकाबला मत कीजिए। ये तो हर पार्टी अपना चुनाव लड़ती है, उसमें प्रदर्शन करती है। आज शपथ ग्रहण समारोह है, भारतीय जनता पार्टी का शुभकामनाएं देते हैं भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार को, और साथ ही ये भी बताना चाहते हैं कि जितना बड़ा मैंडेट होता है उतना समझ लीजिए कि कांटों का ताज होता है, और इस बार जिस विधानसभा में ये सरकार चलेगी उस विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक भी मौजूद हैं, तो एक एक इनका जो कदम होगा, जो ये काम करेगी सरकार, उस पर इस बार आम आदमी पार्टी की विपक्षी दल होने के नाते बहुत ही पैनी नजर होगी, और इनके एक एक जो पॉलिसी है उसको लोगों तक कैसे वो काम कर रही है सरकार, कहां पर गलत कर रही है, वो सब लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी अगर किसी प्रदेश में पहुंच जाती है, उसके विधायक अगर वहां पर बन जाते हैं तो भी होगा, और अभी 16-17 लोग जो लोग जो शपथ ले रहे हैं, इसके बाद बाकी का भी आने वाले दिन में पार्टी सर, पाटीदार और छह ऐसा ऐसा कुछ अब 156 ऑल आर इक्वल सर, नहीं 8 पाटीदार मंत्री बन रहे हैं, मंत्रिमंडल बनेगा, 16-17 लोग शपथ ले रहे हैं। अच्छा, क्या समीकरण रह गए पूरे मंत्रिमंडल बनाने में? क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसी पद्धति होती है, जब जनरल इलेक्शन होता है बाद में स्टेप बाय स्टेप विस्तरण होता है। सर, और भी लोग शामिल हैं। 16 तो बीजेपी नेताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है, और अब शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। निशांत रावल, बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। निशांत रावल जी, किस तरह से मुकाबला करेंगे? गुजरात में तो आप लोगों की रणनीति नाकाम रही। चंदन जी बिल्कुल, देखिए पैनल में सभी लोगों को मैंने सुना, वो सभी लोग जो बात जिस तरीके से बात कर रहे थे वो लोग रिकॉर्ड सीट की बात कर रहे थे। देखिए, हम तो अभिनंदन देना चाहते हैं कि भूपेंद्र भाई पटेल की दूसरी बार सरकार यहाँ पे बनने जा रही है, अभिनंदन। लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात करें तो गुजरात में सबसे कम गरीब हो उसका भी रिकॉर्ड अगले 5 साल में ब्रेक हो जाए तो काफी अच्छा होगा। गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट जो शिक्षित बेरोजगार घूम रहे उसका भी रिकॉर्ड ब्रेक हो गए, रोजगारी में गुजरात अव्वल नंबर पे आ जाएगा। खत्म हो गया, माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए, चुनाव खत्म हो गया, ये तमाम बातें जनता को क्यों नहीं समझा पाए सर? चंदन जी, सरकार को काम करना है, हम आशा व्यक्त करते हैं कि ये सारे रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाए अगले 5 साल में, तो कांग्रेस पार्टी गुजरात की सारी जनता के साथ रेड कार्पेट बिछाने के लिए रेडी है, और जो 27% लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है उनके भी काम उसी तरीके से होंगे जो 52% बीजेपी के लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, ये आशा हम व्यक्त करते हैं विरोध पक्ष की तरफ से। ठीक है, आप सभी से गुजारिश है हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने रहें, आपसे और भी बातें करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी बड़ी खबर पर हमारी चर्चा जारी है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बनें।